हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई है जो कि CCL के तरफ से है। CCL के तरफ से ये आई है, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है। और एक बात मैं शुरू में कह रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं 10th वाले हो तो वीडियो में रुक जाएँ, अगर आपने 10th किया है तो रुक जाएँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही है। तो CCL के बारे में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड कैंडिडेट, सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव पॉजेज मैट्रिक या ITI या डिग्री। आपको इन किसी भी एक में चाहिए। यहाँ पे अगर 10th किया है, या अगर आपने ITI किया है, या आपका डिग्री है, तो आप इन तीनों में से किसी एक में, आपके पास मैट्रिक ITI अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 536 और फ्रेशर के लिए यहाँ पे 72 सीट रखा गया है। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे मैं आपको ले जाकर वहाँ से अच्छे से आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे जाने से पहले मैं एज लिमिट आपको बता देता हूँ। मिनिमम आपका जो एज लिमिट है, मिनिमम अगर आपका मिनिमम बोले तो कम से कम आपका जो है 18 वर्ष होना चाहिए। तो कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आप यहाँ पे, अधिकतम यहाँ पे 27 से 32 वर्ष तक के भर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है CCL के तरफ से। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो हम आ चुके हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। आप इसके बारे में जानते होंगे कितनी बड़ी भारत रत्न कंपनी है। तो ये कितनी बड़ी कंपनी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे रांची की तरफ से है। दरभंगा जो रांची है वहाँ की तरफ से ये वैकेंसी आई है। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट एवं NAPS के तहत ट्रेड एवं फ्रेशर अप्रेंटिसशिप हेतु अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ITI उत्तीर्ण, 10th एवं 12th उत्तीर्ण निम्न स्वर्ग के अभ्यर्थी अपनी विभिन्न इकाइयों में निम्न परीक्षण अवधि परीक्षण हेतु अप्रेंटिस NAPS के माध्यम से। मैंने NAPS के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आप देख लेंगे कि NAPS पे कैसे रजिस्टर होना है, NATS क्या है, NCS क्या है, सारा इस चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो NAPS जिनका ID नहीं है, आप अभी समय नियोजनालय में अगर जॉब मेला में जाते हो तो भी आपको NAPS की ज़रूरत है। अगर आप मिनी रत्न या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप अप्लाई करते हो तो NAPS ज़रूरी है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पे 10th और 12th वाले अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 12th और ग्रेजुएट, ग्रेजुएट वाले का अभी सीट इसमें मेंशन नहीं किया गया, बट सीट आगे आएगी तो उसके बारे में बता देंगे। लेकिन दो लोगों का कंफर्म है, 10th और 12th जिन्होंने किया है उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो 260 सीट रखा गया है। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात कर ले तो 1 ईयर रखा गया है। आपको इसमें NCVT SCVT कहीं से भी आपने किया है इलेक्ट्रिकल में तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल पोस्ट 260 रखा गया है। यहां पे 7,000 आपको पर मंथ एज ए अकाउंट में आपको यहां पे सैलरी के थ्रू, स्टाइवेंट के थ्रू मिल जाएगा। फीटर के यहां पे अगर देखा जाए तो फीटर का 150 है, 1 ईयर यहां पे रखा गया है आपका इसका भी। और इसका 150 सीट है। मैकेनिस्ट का यहाँ पे 40, कोपा 15 और मैकेनिस्ट 10, टनर 10, 1 ईयर का ही है। एंड अकाउंटेंट यहाँ पे रखा गया है आपका अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 1 ईयर। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें PMKV सर्टिफिकेट होल्डर इन द बैंकिंग फाइनेंस है, BCom पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस, अगर आपके पास इतना है, या आपने PMKV सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर आपने PMKVY से सर्टिफिकेट लिया, आपने ट्रेनिंग किया है उससे अप्लाई कर सकते हैं, या फाइनेंशियल सर्विस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट इन फाइनेंस हो, अगर ग्रेजुएशन किया है फाइनेंस से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे अधिकतर है।
वेल्डर की बात कर ले 15 सीट रखा गया है यहाँ पे, 10th पास, इनका 7,000 सैलरी है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है सर्वे। आपको जब आप ये कंप्लीट करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। जब मैंने कोल इंडिया के लिए किया था तो मैं काफ़ी दिन नहीं किया था ट्रेनिंग, और मेरा सिलेक्शन हो गया था वहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का, तो वहाँ पे हुआ था। तो आपको 9,000 सैलरी, 15-16,000 सैलरी ऐसे ही आपको मिल जाते हैं। तो वो ग्रेजुएट और ITI पे डिपेंड करता है, ITI का अलग है, डिप्लोमा का अलग होता है, ग्रेजुएट का अलग होता है। तो मैंने काफ़ी लंबे समय तक तो नहीं किया, बीच में छोड़ दिया था। तो आप इसे पूरी तरह से करेंगे, अच्छा चीज़ है, और 1 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो गवर्नमेंट के थ्रू, ये सर्टिफिकेट आप इसे एक्सपीरियंस के थ्रू काम कर सकते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हैं उसमें अप्लाई के लिए कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इसके लिए बेनिफिट्स मिलेगा। और CCL में अगर कोल फील्ड में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो। यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फ्रेशर हैं, जो अभी कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, 12th पास किया है, तो उनके लिए PC भी है तो 7,000 दिया जाएगा, और मेडिकल लेबोरेटरी के लिए आपको यहाँ पे 7,000 दिया जाएगा, रेडियोलॉजी के लिए, डेंटल लेबोरेटरी टेक्निक के लिए दिया जाएगा, सर्वे के लिए 10th पास होना चाहिए, और यहाँ पे 6,000 दिया जाएगा। तो और मैकेनिक रिपेयर के लिए यहाँ पे 5 सीट है, 24 मंथ का है, टोटल 608 है। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताएँगे। तो यहाँ पे अभ्यर्थी केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण नीति के अनुसार OBC 3 वर्ष के लिए यानी अधिकतम 30 वर्ष और SC ST 5 यानी 32 वर्ष तक के आरक्षण दिए गए हैं। तो OBC को भी एज में छूट है, OBC को 3 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, और SC ST को यहाँ पे SC ST को कितना दिया गया है, 5 वर्ष। तो आप 30-32 साल तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी का कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे अगर कह सकते हैं इसके बारे में दिया गया है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है सबसे बड़ी बात, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NAPS पे जाना है, तो NAPS पे जाना है, वहाँ से रजिस्टर होना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया, NAPS यानी अप्रेंटिसशिप पे जाना है, वहाँ पे जाएं वेबसाइट के रजिस्टर टैब पर क्लिक करें, और अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन पंजीकरण के को उसके मेल ID पर स्वचालित मेल पंजीकरण संख्या होगी, मतलब कह रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर जाकर आपको इसको सर्च करना है, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपको एक बॉक्स होता है, वहाँ पे आपको इस नंबर या इस नाम से इसमें आपको सर्च करना होता है NAPS के साइट पर। आप उसके बाद आने के बाद डायरेक्ट उस पर आपको अप्लाई कर देना है। चलिए अप्लाई करके मैं अभी दिखाता हूँ। तो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आप यहाँ पे गॉब ये आप लिंक यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, या आप यहाँ से कॉपी करके टाइप कर सकते हैं लिंक को, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आप कैंडिडेट हैं यहाँ पर कैंडिडेट क्लिक करेंगे यहाँ पर, देन आपको यहाँ पर ईमेल ID से आपको सबमिट करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन पहले किए हुए हैं तो आप अपना ईमेल डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, अगर नहीं किए तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो चलिए अप्लाई करके दिखाते हैं। और यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद ID जब लॉगिन हो जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पे आप अपना ढूंढेंगे कि सेंट्रल कोल फील्ड कहाँ पे है, देन यहाँ पे आप अप्लाई इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर जाके अप्लाई करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो 10th और ITI कर लिए हैं या कर रहे हैं या कंप्लीट होने वाला है वो लोग तो ज़रूर अप्लाई करें, और 12th वाले को जो यहाँ 12th करके बैठे हैं अच्छी खासी 9 से 10 हज़ार रुपया 7-8 साढ़े 10 हज़ार रुपया मिल रहे हैं, तो जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोस में बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो भी एक अच्छी अप्रेंटिसशिप है जो आपको लमसम 15-16 हज़ार तक आपको सैलरी प्रोवाइड करा देगी, I mean स्टाइपेंड। तो वीडियो से जुड़े रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताएं, अप्लीकेशन भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, धन्यवाद।